एससीए ले चलते हैं, वहां के बाहर क्या कुछ हलचल है। वहां मौजूद है हमारे सहयोगी शाहनवाज, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, अब देखिए हलचलें तेज हो गई हैं, प्रैक्टिस के लिए न्यूजीलैंड की टीम पहुंचने वाली है, क्या कुछ वहां पर हैपनिंग्स नजर आ रहे हैं? देखिए न्यूजीलैंड की टीम अंदर गई है नेट प्रैक्टिस के लिए, भारतीय टीम की प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और कोई बता नहीं रहा है कि भारतीय टीम आएगी भी या नहीं, संभावना बेहद कम है। लिहाजा स्टेडियम के अंदर का प्रवेश चूंकि मना है, इसीलिए अंदर कोई जा नहीं सकता। नेट प्रैक्टिस भी हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बाह्य बबल अंदर लग चुका है। जी, जी। बाहर काफी मूवमेंट है, गेट पर एक एडिशनल मूवमेंट है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं, और अभी हो सकता है कि मैं आपसे उनकी मुलाकात भी कराऊं। केरला से सांसद शशि थरूर आए हुए हैं रांची, प्रोफेसर शशि थरूर जी, और शशि थरूर काफी पॉपुलर है युवाओं में, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। वो अंदर ही ठहरे हुए हैं और वो किसी कार्यक्रम के सिलसिले में अपने चाहने वालों के साथ जा रहे हैं खूंटी के दौरे पर, तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ से निकले। इसी के लिए थोड़ी सी हलचल यहाँ पर है, उनके चाहने वालों की भीड़ है यहाँ पर, और बाकी क्रिकेट के चाहने वाले यहाँ पर खिलाड़ियों की झलक, एक झलक के लिए यहाँ पर आए हैं, और सबको यही लगता है कि भारतीय टीम भी आएगी और अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जाएगी। बहरहाल इसकी संभावना अभी कोई कहा नहीं जा सकता कि कितने बजे आएगी, आएगी भी या नहीं। बहरहाल स्टेडियम के आसपास पार्किंग के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट और माइकिंग की जा रही है, गाड़ियां बेतरतीब ढंग से नहीं लगा दे कोई, अलग अलग ट्रैफिक और रूट प्लान, चूंकि अभी पूरा रूट प्लान लागू नहीं हुआ है, लोग जिधर चाह रहे हैं अपनी गाड़ियां लगा करके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तमाशे देखने आ रहे हैं। जिन लोगों को टिकट मिल गया है वो इत्मीनान से अपने घर में है, वो तीन चार पाँच जिस समय भी चाहें यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पास और टिकट नहीं है उनको बस इसी तरह से थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिल जाए, कहीं से कोई झलक मिल जाए तो, या कोई पास का जुगाड़ हो जाए तो यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और डिप्लॉयमेंट इनके हुई है अफसरों की, वो अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है, और ये पूरा जो इलाका है अभी हॉट केक बना हुआ है। कोई हल्का सा किसी को कोई स्पेस मिल जाता है तो थोड़ा सा कोई ठेला खोंचा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, बहुत अट्रैक्टिव सामान कोलकाता से बेचने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, और अभी बहुत सारी दुकानें लग भी रही हैं, बहुत सारी दुकानें लग चुकी हैं, तो कुल मिलाकर के एक्साइटमेंट जो है वो स्काई हाई पर है, और क्रिकेट के चाहने वालों की आंखों में जो तड़प है मैच देखने नहीं देख पाने की कसक भी बहुत सारे लोगों की आंखों में दिखाई देती है, और इसका एहसास होता है कि ये मैच और क्रिकेट जो है वो सबके लिए उपलब्ध होता तो ज्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग इससे वंचित भी रह जाते हैं, क्योंकि टिकट की कीमत भी कोई कम नहीं है, 900 रुपये सबसे मिनिमम टिकट है, वो भी इतनी मुशक्कतों से मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं क्रिकेट के की खूबसूरती है, ये कहें कि लोग पैसे जमा करके रखते हैं कि एक ऐसा दिन आए कि स्टेडियम में बैठ करके मैच देखें, जो लोग वंचित हो जाएंगे टेलीविजन पर देखेंगे, लेकिन ये ऐसा है कि अपने अपने शौक की बात है, किसी को स्टेडियम में मैच देखना पसंद है, किसी को टीवी पे घर में बैठ के देखना पसंद है, लेकिन ये है कि शहर के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रेस्टीज का प्रश्न है, ये जिस शहर में ये आयोजन हुआ है उसके चाहने वाले उसके रहने वालों का गर्व से सीना फूल जाता है, कि लोग अगर किसी के रिश्तेदार पटना में रहते हैं तो आज रांची में रहने वाले रिश्तेदार के बारे में सोचता है कि वो कितने खुशनसीब है कि उनके शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है, और ये शहर वालों को पता है कि कितना उससे बहुत सारी चीजें उसमें बदल दी जाती हैं, ट्रैफिक प्लान लागू हो जाता है। मैं एक बार आपके माध्यम से अपने जो ऐसे लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ जो मैच देखने आना है उनको, स्टेडियम
स्टेडियम की तरफ जो रास्ता आप HEC गेट से इंटर करें उसके बाद से ही ट्रैफिक प्लान आप पर लागू हो जाता है। अगर आपके टिकट पे नॉर्थ गेट लिखा हुआ है जी, तो आप नॉर्थ गेट जहां देखें ब्लू कटआउट में और एरो मार्क वहीं से मुड़ जाए। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे जाके आपको रोड ब्लॉक मिलेगा। जो ट्रैफिक प्लान दिया गया है उस ट्रैफिक प्लान को जरूर फॉलो करें, वरना फिर आप ही को दिक्कत होने वाली है। इसलिए अगर स्टेडियम के लिए निकल रहे हैं या फिर किसी और जगह के लिए भी निकल रहे हैं तो वहां का ट्रैफिक रूट चेंज किया गया है, प्लानिंग चेंज है, तो जरूर एक बार ये ट्रैफिक प्लान देखें और उसके बाद ही निकले। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।